हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। ये है आईएमओ प्रैक्टिस सीरीज फॉर क्लास टू। इस सीरीज के मैंने 5 प्रैक्टिस पेपर रेडी किए हैं, 4 मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं 5th प्रैक्टिस पेपर शेयर करूंगी। बट बिफोर दैट, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेपर 5। रमन बॉट 146 लीटर ऑफ पेंट। He used 89 liters of paint for his house. How much paint is left? Raman 146 liter of paint लेकर आता है and 89 liter वो अपने घर में यूज कर लेता है, तो कितने पेंट बच जाते हैं? लेफ्ट है, यानी यहाँ माइनस का काम होगा, तो 146 माइनस 89 ये हो गया 57 लीटर, इसका आंसर हो गया माइनस करने से। देन व्हाट इज़ द टाइम इफ़ इट इज 20 मिनट बिफोर नून। अब 20 मिनट बिफोर नून बोला जा रहा है, नून यानी दोपहर के 12 बजे, तो दोपहर के 12 बजे पहले का टाइम क्या होगा? 11:40 AM। यहाँ बच्चे AM और PM में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो उन्हें ज़रूर बताइए AM यानी एंटी मेरिडियन और PM यानी पोस्ट मेरिडियन। एंटी मेरिडियन यानी बिफोर नून एंड पोस्ट मेरिडियन यानी आफ्टरनून। तो आफ्टरनून के टाइम को हम PM से लिखते हैं और बिफोर नून के टाइम को AM से लिखते हैं, और यहाँ नून के पहले की बात हो रही है यानी AM में आंसर होगा। ये हो गया। नाउ एट 7:45 PM द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक विल लाई नियर टू डैश। अब अगर घड़ी में 7:45 टाइम हो रहा है तो क्लॉक का आवर हैंड छोटी वाली सुई कहाँ होगी, किस नंबर के पास में होगी? तो 7:45 यानी 8 बजने वाले हैं, तो 8 के पास होगी। नाउ इफ 3 एप्पल्स इक्वल टू 900 ग्राम देन द वेट ऑफ 2 एप्पल इज डैश ग्राम। अब 3 एप्पल्स का वेट 900 ग्राम हो रहा है, तो ईच ऑफ एप्पल कितने ग्राम के हो जाएंगे? 300 ग्राम्स। ये सिंपल एडिशन बच्चे को आना चाहिए और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। इस तरह से एक एप्पल का वेट निकल गया, अब 2 एप्पल पूछा जा रहा है, तो 300 + 300 = 600 हो गया इसका आंसर। नाउ विच इज द करेक्ट साइन फॉर क्वेश्चन इन द बॉक्स। अब इस बॉक्स में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, यहाँ पे कौन सा साइन सही होने वाला है? ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू? तो अब इधर प्लस का साइन है और इधर माइनस का, तो इधर वाले डिजिट को प्लस करना है, तो ये हो गया 7 और 5 57, और इधर माइनस करना है तो ये हो गया 31, यानी ये नंबर बड़ा है तो साइन ग्रेटर देन का होगा। इस तरह से ओलंपियाड के क्वेश्चंस बस थोड़े ट्रिकी होते हैं, कि तो उनकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है बच्चों को, ताकि वो उसे समझ पाएँ और क्विकली कर पाएँ। नाउ अ फ्रूट सेलर सेल्स 220 एग्स ऑन मंडे एंड 100 एग्स ऑन ट्यूजडे। हाउ मेनी एग्स डिड ही सेल इन ऑल टुगेदर? ऑल टुगेदर एडिशन वोकेबुलरी है, यानी यहाँ एडिशन होगा। मंडे को उसने 220 एग्स सेल किए और ट्यूजडे को 100 एग्स। अब पूछा जा रहा है दोनों दिन मिलाकर कितने एग्स सेल हुए, तो इनको सिंपली ऐड करना है, 220 प्लस 100 यानी 320 एग्स सेल हुए। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सेलेक्ट ऑड वन आउट। अब इन फोटोज को देखो, इनमें जो ऑड है उसे टिक करो। तो यहाँ सारे लाइन शेप्स हैं एक्सेप्ट सर्कल, ये कर्व्ड है, तो सर्कल ऑड है इनमें। देयर वर 246 पीपल इन अ पार्टी। इफ 143 ऑफ देम वर मेन देन रेस्ट आर द वुमेन। देन हाउ मेनी वुमेन आर देयर इन पार्टी? अगर एक पार्टी में 246 पीपल्स हैं, उनमें 143 मेन हैं और बाकी वुमेन हैं, तो वुमेन्स की नंबर पूछे जा रहे हैं, तो सिंपली 246 में 143 को माइनस करेंगे और ये हो गया 103 यानी 103। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ बच्चे को फोटो ऑब्जर्व करना है, इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करो, इन नंबर्स के रिलेशन को पहचानो। ये एनालिटिकल रीजनिंग का बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ ट्रायंगल में जो नंबर लिखे हैं उनका सर्कल वाले नंबर से कुछ रिलेशन बन रहा है क्या? 8 × 4 = 32 आ रहा है, तो इसी तरह से यहाँ क्या होने वाला है? 10 यहाँ है और यहाँ ब्लैंक है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर लिखा जाए कि 40 आ जाएगा? तो 10 × 4 = 40 यानी यहाँ 4 होगा। ये हो गया। नाउ इफ देयर आर 16 एप्पल्स ऑन अ ट्री देन हाउ मेनी एप्पल्स आर ऑन 3 सच ट्रीज? तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई करो, 16 × 3 = 48 आंसर होगा। आप भी इस तरह के वर्कशीट बनाइए और बच्चे की प्रैक्टिस करवाइए उनके ओलंपियाड्स में अच्छे मार्क्स के लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन क्वेश्चंस के डिजिट्स को चेंज करते हुए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाइए, बच्चे की प्रैक्टिस करवाइए। आई होप ये वर्कशीट आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।